एसडीएम साहब, खुशामदीद आपका कुलगाम टाइम्स में। ये बताया कि अगर हम बात करेंगे कि पिछले कई मुसलसल कई रोज से जो बर्फबारी हो रही है, ताकि नूराबाद की बात करें तो आप लोगों ने जो पहली बर्फबारी हुई थी तो करीबन जो है तमाम सड़कें जो है वो क्लियर हुए थे, लेकिन कल से जो बर्फबारी हुई अभी भी कहीं ऐसे लिंक रोड जो है अभी वहाँ कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो क्या उम्मीद करेंगे कब तक? ये बताइए, एक तो हमें स्टेटस बताया कि सब डिविजन में कितने रोड आप लोगों ने क्लियर किए, और जो अभी पेंडिंग है कब तक वो क्लियर हो जाएगा? देखिए जी, जो हमारे यहाँ सब डिविजन में रोड्स है वो 76 करीब है, उसमें से जो प्रायोरिटी फर्स्ट पे आते हैं, जो सबसे पहले हम मेन रोड्स है उनको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त भी अगर आप देखोगे तो रात के 12:30-1 बजे तक हमारा जो मैकेनिकल और आरएनबी का जो अमला था वो ग्राउंड लेवल पे रात के अंधेरे में सफाई कर रहे थे, वो जो भी स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन चल रहा था। अब सुबह से और काम में लगे हैं, इस वक्त हमारे जो मैक्सिमम रोड जो है मेन जो रोड्स है वो क्लियर हुए, लिंक रोड्स में अभी काम चल रहा है इस वक्त। हमने एक और एडिशनल जो स्नो कटर जो मशीन है वो कुलगाम से मंगाई है, तो इस वक्त जो हमारी पूरी टीम है, चाहे मैकेनिकल की टीम है पीएमजीएसवाई के रोड से या जो आरएनबी के है, वो एडब्ल्यू साइबान उनके साथ हम बिल्कुल इन टच है, वो इस वक्त ग्राउंड में भी है। हम भी खुद अभी एक जगह से होके आए, इवन संडे होके भी हमारे जो ये मैकेनिकल या बाकी जितने हैं, हमने आज भी ऑफिस खुला रखा है एज पर द डायरेक्शन ऑफ वर्थी डिप्टी कमिश्नर, कि तमाम जितने भी ऑफिस है हमने आज भी ऑफिस हमारा खुला है, तो हम यहाँ पे है हेडक्वार्टर पे। तो इंशाल्लाह जो भी बाकी जो रोड्स है, जो लिंक रोड्स है, उसमें टाइम लगता है क्योंकि मैन पावर की भी कमी होती है, लेकिन इंशाल्लाह आज रात तक पूरे ये रोड क्लियर हो जाएंगे। अच्छा एसडीएम साहब, आप ये बताया कि कहीं जगहों से कुलगाम टाइम्स को फोन कॉल भी मौसूल हो रहे हैं कि वहाँ बिजली की काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो क्या उम्मीद करेंगे बिजली कब तक मुकम्मल तौर पे आपके सब डिवीजन नूराबाद में रिस्टोर है? देखिए जी, बिजली जो है, बिजली अगर हम देखेंगे तो हमारे इस वक्त एज पर जो मुझे कल रिपोर्ट आई, 6 ट्रांसफार्मर्स हमारे खराब है, वो मैंने ऑलरेडी जो कंसर्न एडब्ल्यू से उनसे बात की है, तो इंशाल्लाह बाकी जगहों पे तो लाइट चल रही है। बीच में जो बारिश, आपको पता है कि पिछले एक हफ्ते से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, वक्तन फवक्तन तो बर्फबारी यहाँ इस एरिया में कंटिन्यूसली चल रही है, जिसकी वजह से बीच बीच में रुकावट आती है। तो हम कोशिश करेंगे कि एज पर शेड्यूल जो है, जो सार्फिन है, जो लोग हैं, उनको बिजली फराहम हो, और जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर खराब है वहाँ हम कोशिश करेंगे कि जल्दी उनका वो ट्रांसफर ठीक हो जाए, ताकि उनको भी इस जो बिजली का, उनको भी बिजली मिले, वक्त पे बिजली मिले और उनका भी वो ट्रांसफार्मर वक्त पे आ जाए।